भाई अपने पुनीत भैया टेंशन में आ गए हैं, अपनी R15M जो है भाई उसके साथ हादसा हो गया है और गिर गई बाइक। बट ओके गाइस, सो ये अपनी यामाहा की R15M खड़ी है जो कि खड़ी है PGX करोलबाग के ऊपर। और आप यामाहा से अगर आप बाइक खरीद रहे हो और आप वहां से फ्रेम स्लाइडर्स लेते हैं तो भाई भैया ये फ्रेम स्लाइडर आपने कितने के लिए थे? 1650। तो 1650 रुपए के आपको मात्रे मिल जाते हैं, बट ये आपको PGX में मिलने वाले हैं 1000 1000 1000, सिर्फ हजार 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 एक ही पीस है। क्यों भैया हजार रुपए में क्यों दे रहे 1600 का माल? ये हजार का भी बिक जाए बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि किसी काम का नहीं है, यूजलेस प्रोडक्ट है ये। Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, आज हम फिर से हैं PGX करोलबाग के पास एंड भाई अपनी यामाहा R15M जो है पूरी मॉडिफाइड हुई भी। तो भाई यहाँ पे है पुनीत भैया और वीडियो की शुरुआत जो आपने देखी भाई वो कुछ था, उसको भी अभी दिखाएंगे। बट आज की जो हमारी वीडियो मेन होने वाली है वो होने वाली है भैया इन चीज़ के बारे में। वैसे ये हम एक्चुअली क्या है, इस बाइक में प्रोटेक्शन नहीं दी गई बिल्कुल भी। Okay. पहले V3 के अंदर फ्रेम स्लाइडर लगते थे जो कि बाइक गिरने पे उसकी बॉडी प्रोटेक्ट करते थे। हाँ. इसमें इस बार कुछ भी नहीं है बॉडी के अंदर। हाँ. जहाँ कुछ लग पाए, और कंपनी ने जैसे एक ये जिसे कहते हैं ना बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप दे देते हैं, सही बात ये है। दे दिया है भाई, ये देखो प्लास्टिक, मेन चीज देखो तो ये क्वालिटी देख लो भाई, ये गंदा सा प्लास्टिक सा दे रखा है इन्होंने। मतलब ये ऐसा है मैं शायद इसको ऐसे जमीन पे पटकूंगा तो ये टूट जाएगा। और ये हमारा जो फिक्स होता है, जो कंपनी की तरफ से आता है वो फिक्स होता है ये चेंबर के ऊपर, ऐसा कुछ फिट होता है, ऐसा फिट होता है। और ये इसके आगे ऐसे लग जाता है भाई, ऐसी सी। मतलब क्या करके तो करना चाहते हैं, मेरे को ये चीज समझ नहीं आई कि भाई ये तो वैसी अंदर है बॉडी बाहर दिख रही है, तो बॉडी तो वैसी खराब हो जानी है होनी है। और ये अगर बाइक टच भी होती है तो ये क्या करेगा? ये तो कुछ नहीं करेगा, बट ये जरूर चेंबर, ये क्या करेगा मैं बताता हूँ, ये बात अच्छी गई, ये चेंबर को जरूर तोड़ देगा। जब ये बाइक गिरेगी तो ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये दोनों इसके बोल्ट तोड़ के चेंबर को ब्रेक कर देगा। तो भाई ये देख लो, अब हम इसके लिए जो है स्पेशली PGX इस चीज के लिए जुगाड़ नहीं कह सकते, प्रॉपर एक फिटमेंट काम जो, और हाँ जी, जो प्रॉपर इसको प्रोटेक्ट करेगा और गाड़ी में कहीं हार्म नहीं होगा, लुक भी उसके एनहांस हो जाएगी। ओके, तो हम लेकर आए हैं यहाँ पे क्रैश गार्ड्स जो कि स्पेशली बने हैं हमारे यामाहा V4 के लिए, V4 R15M दोनों में काम आ जाएगा। तो ये R15M में भी आ जाएगा और ये हमारा जो V4 है उसमें भी आ जाएगा। और ये कुछ इसकी अब मैं आपको पूरी मतलब साइंस कह लो टेक्नोलॉजी कह लो बताता हूँ। ये कंपनी का है फ्रेम। ओके, हम यहाँ से इसका बोल्ट है, आप देख रहे हो स्क्रैच भी पड़ा हुआ है, ये टेस्टिंग टाइम पे हुआ है। यहाँ से हम इसकी जो है स्ट्रेंथ ले रहे हैं और ये पाइप जाएगी दूसरी साइड, जो दूसरी साइड के पीस से मैच होगी। ओके, कहीं से कोई बॉडी कोई चैम्बर का इस्तेमाल नहीं है। ओके, बाइक अगर फॉल होती है, हम अगर जो फ्रेम ले रहे हैं वो पूरा बॉडी का जो मेन फ्रेम है उसी को ही ले रहे हैं। बाइक अगर फॉल होगी तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है आपका इसके ऊपर आएगा, स्लाइडर्स के ऊपर। हाँ, ये डबलिन स्लाइडर्स है जो ये घिस जाएंगे और पूरा शॉक जो है अब्सॉर्ब कर लेंगे। ओके, और बाइक में कुछ नहीं होगा। तो भाई भैया अब इसको फिट करेंगे, इसको फिट करके दिखा, तो भाई इसको पहले फिट करके दिखाते हैं कि कैसा ये लगने वाला है। और भैया एक स्पेशल चीज और आई है जो कि मेरे को यहाँ पे दिख रही है, सो ये क्या है ये एक बारी बता दो। ये कुछ बैकरेस्ट जैसा दिख रहा है लेकिन ये नंबर प्लेट स्टैंड है। तो ये वैसे यूजुअली यहाँ पे ना हायाबूसा के अंदर मैंने देखा है, हायाबूसा में सेम इसी जगह पे आपका जो एक्चुअल में नंबर प्लेट है वो यहाँ पे लगती है। तो यहाँ पे फ्रंट पे आपकी नंबर प्लेट भी आ जाएगी, आपको आवाज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और प्लस जो हमारी लुक है फ्रंट की पूरी की पूरी, वो पूरी की पूरी जो नंबर प्लेट की वजह से जो यहाँ पे नंबर प्लेट आती है तो उसकी वजह से वो जो लुक है वो काफी खराब सी लगती है, बट वो चीज हमारी जो है वो इसमें नहीं होने वाली, नहीं होने। ओके, सो अपना जो नंबर प्लेट है वो कुछ इस तरीके से फिट होनी है। सो यहाँ पे बेसिकली आपके दो नट्स हैं, दो नट इधर है, दो नट उधर है, और बस इनको खोल के उसके हिसाब से ही प्रॉपर जो उसकी फिटिंग है वो बना दी गई है। ओके, सो अपना जो क्रैश गार्ड है भाई वो लगने लगा है। और भाई इसके लिए कौन कौन से नट बोल्ट खोलने पड़ते हैं? ओके, एक ये वाला, ओके, एक अंदर है हमारा वो। ओके, सो अब बात आती है इस तरफ की फिटिंग की। सो इस तरफ भी हमारे एक बोल्ट तो ये हो गया और एक हमारा अंदर की तरफ जाएगा। सो भाई ये हमारी फिटिंग आ रही है जो इधर से गई, और ये वाला जो मोटा सा बोल्ट है वो उस तरफ हमारे इसमें इस तरफ फिट आ गया। ओके, सो ये हमारी जो रॉड है वो प्रॉपरली फिट हो गई है। एंड अब हम एक स्क्रू इस पे लेने वाले हैं और एक इस पे लेने वाले हैं। ओके, तो भाई इसकी जो लुक आने वाली है वो कुछ ऐसी सी आने वाली है। तो नीचे हमारा जो है वो कुछ इस तरीके का क्लंप है जो सीधा स्क्रू के अंदर जाके टाइट हो गया। और दूसरा हमारा चला जाएगा सीधा इसके अंदर। तो भाई इसकी जो लुक आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। ये हमारे दोनों के आपस में जुड़ेंगे क्या नीचे से? ओके, तो वो भी एक बहुत सही चीज़ होगी कि भाई नीचे से वो दोनों जो हैं
वो आपस में जुड़ने वाले हैं। ओके, एक तरीके से इससे नीचे की बॉडी भी बच गई यार हमारी, है ना, ये एक बेनिफिट हो गया कि नीचे की बॉडी जो है वो भी टूटने से बच जाएगी इससे। ओके, सो फाइनली जो अपना क्रैश गार्ड है भाई वो लग गया है और उसकी कुछ लुक आ रही है ऐसी सी जो प्रॉपर सही मायने में बोलूँ तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आप जस्टिफाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट 2 इंच का गैप है एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 3 इंच का हमारा जो स्लाइडर है वो लगा हुआ है। सो भैया आप ये पूरी बाइक देखेंगे, ये एग्जॉस्ट और ये सब इससे 1 इंच बाहर है। हाँ। सबसे पहले इम्पैक्ट इसी पर आएगा, पूरा हमने इसको अच्छे से R&D किया है। और उसके अलावा ये जो आप स्लाइडर देख रहे हो क्रैश के टाइम पर ये घिस के अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट कर लेगा। ओके, सो और ओवरऑल हाँ लुक बेस्ट पार्ट इसका ये है कि हमारा जो मैंने देखा कि हमारा ये नीचे से भी पूरा का जो पूरा चेंबर होता है उसको भी जो नीचे फाइबर बॉडी है उसको प्रॉपरली सेव करने में काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि नीचे दोनों तरफ से जॉइंट हो रहा है। एंड भाई ये एरिया हमारा एग्जॉस्ट को सेव कर देगा, ये पूरा बॉडी को सेव कर देगा और यहाँ हमारे लग गए हैंड गार्ड्स जो कि हमारे इसको प्रोटेक्ट करते हुए इस वाली बॉडी को भी बचा देंगे। जी भैया कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इसकी हमने निकाली 2999 3000 रुपये फिटिंग एक्स्ट्रा। फिटिंग एक्स्ट्रा वो तो हमारा बेसिक रेट है, कोरियर एक्स्ट्रा, फिटिंग एक्स्ट्रा। और एक बात और बता दूं, ये एक हफ्ते से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं और पूरा इसका स्पीड ब्रेकर टेस्ट, गड्ढे वड्ढे सब कुछ करके देख लिया। ओके, ये टकराता नहीं है? नहीं टकराता, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन जरूर आएगा कि भैया ये नीचे टकराता कि नहीं। बहुत ज्यादा हार्ड जैसे गड्ढा हो तो वो टच होगा, लेकिन वो तो बॉडी का ये पैनल भी टच होगा और कहीं ना कहीं ये इसको बचा भी लेगा। 1 इंच की पाइप ही है नीचे, कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं है। भाई अपने पुनीत भैया टेंशन में आ गए हैं, अपनी R15M जो है भाई उसके साथ हादसा हो गया है और गिर गई बाइक। बट हमारा जो क्रैश गार्ड एक्चुअल में लगा था इस बाइक को सेव करने के लिए उसने काफ़ी हद तक इसको जो है प्रोटेक्ट कर लिया है। आप देखोगे पूरा फ्रेम बचा हुआ है और सिर्फ क्रैश गार्ड के ऊपर जो है सारा लोड आया हुआ है भाई। कुछ ऐसी सी इसकी प्रोटेक्शन आने वाली है क्रैश गार्ड की, तो ये तो खतरनाक होने वाला है। जी भाई, है ना, ये मतलब आपने पूरी R&D करके कर दी है, इस बार करी है। देखो V3 के टाइम पे इतनी नहीं थी जितनी इस टाइम, और इस बार नीचे करी है। से वो अभी पहले जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था, तो ये आप जाके चेक कर सकते हो। ये देखो भाई, ये नीचे से कितना एग्जॉस्ट भी देखो आप, पूरा एग्जॉस्ट की जो पाइप है उसको पूरा सेव कर रहा है एंड पूरी जो बॉडी है उसको ये यहाँ पे। अगर स्पीड ब्रेकर या कोई गड्ढा लगता तो इस पे लगेगा, ये आपके जो कवर्स है पैनल है इनमें कुछ नहीं, इनपे कुछ नहीं होने वाला, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा सही हो गया। ओके, सो भैया अब हम करते हैं इसको आगे कंटिन्यू, जो हमारी पिछली वीडियो रह गई है। सो भाई हमने पिछली वीडियो जो रोकी थी वो रोकी थी यहाँ पे क्योंकि उसके बाद कुछ साउंड का रफड़ा आ गया था। सो हमने ये असेंबली के ऊपर रोकी थी, तो भैया ये असेंबली का हमने प्राइस नहीं बताया था उस टाइम पे, तो असेंबली जो पूरी दोनों तरफ लग रही है उसका प्राइस क्या है? इसके दोनों साइड की जो असेंबली है उसकी कॉस्टिंग है 4200। ओके, सो 4200 रुपए की दोनों तरफ की जो असेंबली है जिसमें पूरा ले और पूरा ये शिन गार्ड और साथ में पूरा एरिया जो है वो सारा का सारा चेंज हो जाता है। तो फुटरेस्ट हमारा ये, इसमें भी अलग अलग कलर ऑप्शंस आ जाते हैं, काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस है। बाकी ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि आप देखोगे वैसे ओरिजिनल जो आता है वो मेटल का आता है, बट इसके अंदर आपको ये रबर लुक मिल जाती है, रबर फील आ जाती है। पूरा जो ग्रिप है वो ग्रिप वो बहुत सही मिलेगी आपको इसके अंदर, सो कहीं जाने वाला नहीं है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सही है। तो भैया इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही थी? 1450 आते हैं, दैट इज़ द चेन कवर। सो चेन पूरा का पूरा उसको कवर करने के लिए हमारे पास इसमें भी कलर ऑप्शन है, ब्लू, रेड, गोल्डन और सिल्वर, टाइटेनियम, सारे सारे कलर ऑप्शन है। बाकी ये लुक बहुत ही ज्यादा सही कर देता है बाइक की। और इसकी कॉस्टिंग क्या है? इसकी जो इम्पोर्टेड है उसकी कॉस्टिंग 1000 है और इसमें इंडियन भी बन चुका है, उसकी कॉस्टिंग 600 है। ये मैं दिखाऊंगा, ये चेन्स पॉकेट कवर लगाया हमने इसको। सो इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है? इसकी 1000। ओके, 1000 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है इसकी। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे स्पूल लगे हुए, तो बेसिक है आपको, पेडॉक लगेगा तो लगेगा 450 रुपए का। उसका नेक्स्ट जो ऑप्शन अपने पास आ रहा है दैट इज द, उसको हम बोल सकते हैं जादुई नंबर प्लेट स्टैंड, बेसिकली टेल टाइड ही है ये। पर इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये इस तरीके से भाई गायब हो जाती है, तो कभी आपने छुपानी हो कभी भागना हो वैसे तो नहीं करो, नहीं, ऐसे काम के लिए नहीं, ऐसे काम नहीं करो। बट भाई ये क्यों दिया है, मतलब ये इसका फीचर क्या भैया? वैसे ऐसे बस ऐसे टेंशन है, लुक के लिए है। और मैं कुछ सोच रहा हूँ बटन वाला करता हूँ, बटन दबाओ ये अंदर ऐसे अंदर हो भाई ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो। तो भैया इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है? इसकी कॉस्टिंग 1250। और एक चीज और बताना चाहूंगा, इसके साथ माउंट मिलता है इंडिकेटर के, जो मैंने हटा दिए है सिर्फ इस इंडिकेटर को दिखाने के लिए, वरना आप इसी नंबर टेल टाइडी में भी इंडिकेटर लगा सकते हैं। ओके, तो वो एक अलग ऑप्शन है। प्लस जैसे भैया ने यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेटर्स लगाए हुए, ये भी एक अलग से ऑप्शन है आपके पास जो कि आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। तो इसकी कॉस्टिंग, ये नंबर प्लेट इसकी टेल टाइडी की 1250 है इनकी, और इनकी है 2300।
ओके और ये हमारी पहले भी आपने देखी होगी V3 में सेम लाइट हमारी लगती थी, वही सेम लाइट इसमें भी आ जाती है, DRLs के साथ है, तो रनिंग DRLs हैं इंडिकेटर्स में एंड देन ब्रेक आप दबाते हो तो ये जलती है। तो भाई इसकी लुक आ रही है कुछ ऐसी सी। और भैया इसकी कॉस्टिंग इस बार, इसको हर बार बंद करने के बाद आप ऑन करेंगे तो कलर चेंज हो जाता है इसका। ओके, जैसे अभी ये येलो जल रहा है, ग्रीन है, ऐसे ग्रीन ब्लू पर्पल अलग अलग कलर में आता रहता है। इसकी कॉस्टिंग 3200, सेम वही कॉस्टिंग है जो पहले थी। बात यहाँ पे काउल की, सो काउल मोस्टली लोग काफी प्रेफर करते हैं कि सिंगल सीटर बनानी है और लुक काफ़ी एनहांस करता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें सिर्फ सिर्फ काउल ही आता है इसके ऊपर। ये जो ग्राफिक्स हैं ये अलग से हुए हैं, अगर आप कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, नहीं कराना तो आपको प्लेन काउल भी मिल जाएगा। तो भैया काउल की कॉस्टिंग और ग्राफिक्स की कॉस्टिंग, काउल की कॉस्टिंग है 1400। ओके, और स्टिकरिंग की जो है 200। ओके, स्टिकरिंग की 200 और 1400। अब लास्ट नॉट द लीस्ट जो हमारा बचता है, क्योंकि हमने वो चीज़ें कवर नहीं करी थी, बाकी जो सामान लगा हुआ है जैसे टैंक पैड हो गया या ये सब चीज़ें हो गई, ये हम इससे पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो यार वो वीडियो जाके चेकआउट करो। तो भैया एग्जॉस्ट में मेन चीज़ ये सबसे सही एग्जॉस्ट, सबसे बेस्ट एग्जॉस्ट है, मैंने पूरा चला लिया। इसके अंदर 4-way एडजस्टमेंट है, आवाज आप कम ज्यादा कर सकते हो। ओके, तो वो फीचर इसमें आ जाता है, बहुत अच्छा। ओके, एंड दिस इज अ फुल सिस्टम, तो पूरा जो हमारा बेंड पाइप है वो आगे तक पूरा लगा है इसके अंदर, तो ये एक फुल सिस्टम का काम कर रहा है। आपको आवाज चाहिए तो आप डीबी किलर निकाल दो, अगर आवाज नहीं चाहिए तो डीबी किलर लगा दो। 6500 रुपीज फॉर द एग्जॉस्ट एंड 2200 रुपीज फॉर द बेंड पाइप। ओके, सो 6500 फॉर द एग्जॉस्ट एंड 2200 रुपए का बेंड पाइप है, प्लस जो भी फिटिंग चार्जेस होंगे वो अलग। बाकी इसकी आवाज सुनाते हैं एंड उसके बाद जो है वीडियो को एंड करते हैं। तो इसमें अभी जो डीबी किलर है वो नहीं लगा हुआ, ओके गाइस, सो वीडियो आपने देख ली है, सारी चीजें आपने देख ली हैं, ऐसे ही प्यार जो आप दे रहे हैं पीजीएक्स को और हमारी वीडियोस को भाई देते रहो। और कुछ और चीजें भी जो हैं वो भैया लेकर आने वाले जल्द इस बाइक के लिए, तो इट्स लाइक अ डेमो बाइक। काफ़ी लोगों के मेरे को कमेंट आ रहे थे कि भैया बाइक को आप क्या बना रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। भाई बाइक ये आप लोगों के लिए बन ली गई है कि अगर आप यहाँ पे आते हो शॉप पे तो आपको एक एक चीज़ जो है वो लगी हुई दिखे कि एक्चुअल में वो बाइक पे लगती कैसे है। हर बंदे का टेस्ट, हर बंदे की चॉइस अपनी होती है, तो ये एक तरीके से डेमो पीस की तरह है जिसपे हम जितनी भी चीज़ें वो लगा के दिखा रहे हैं ताकि एक आसानी रहे और हर बंदा आगे देख सके। अब हर बंदा हर एक चीज़ नहीं लगाएगा, तो बस कवर करने के लिए, उसको दिखाने के लिए इसको जो है वो जोड़ा जा रहा है। जैसे हमारी शॉप है, यहाँ सब कुछ डिस्प्ले किया है, वैसे ही है कि हमारी शॉप ही समझ लो, इस पर हमने सारा कुछ डिस्प्ले करके दिया है। आपको जो पसंद है वो लगवाओ, ऐसा नहीं है कि इसके साथ वो क्यों और ऐसा क्यों। हाँ। आपके लिए है ये बाइक, आप ही की सबकी है, आपको जो पसंद है वो अपनी बाइक में काम करवा सकते हैं। सो आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले कुछ ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए। बाकी कुछ और जो अपडेट्स आएंगे वो आपको जल्द चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।